तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। जैसा कि आप लोग क्लास टेंथ का भी पढ़ रहे हैं इतिहास यानी हिस्ट्री, बिहार बोर्ड स्पेशल है ये। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। साथ ही साथ इसमें जो भी आपकी किताब में लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय जो भी दिए हैं उसको भी लिखवाया जाएगा। और ये हमारा पार्ट 5 अंतिम पार्ट है इस चैप्टर का और ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में। दूसरा है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? रॉबर्ट ओवन। तीसरा है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? कार्ल मार्क्स ने। उसके बाद है, 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति के नाम से। 5 नंबर है। 6 नंबर है, नवंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो किसानों का असंतोष। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेलिन ने। फरवरी क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आ गई? करेंस्की सरकार। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग बनाया? आतंक का। 10 नंबर है, लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की। 11 नंबर है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? राजा। 13 नंबर है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस। अगला क्वेश्चन है, लेलिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी। 15 नंबर है, वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। ब्रेस्टलिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी। समाजवादी भावना का उदय मूल रूप से किस सदी में हुआ? 18वीं शताब्दी। समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। 20 नंबर प्रश्न है, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किसका शासन था? तो जार निकोलस द्वितीय का। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? जो हमने चैप्टर के लास्ट में पढ़ा, 1900 दिसंबर महीने में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की? 1867 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? दास कैपिटल। दास कैपिटल जो पुस्तक लिखा गया था उसको क्या कहा जाता है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1775 ईस्वी। यहाँ पे एक मिस्टेक है, आप इसे 1764 ईस्वी कर लेंगे। अगला प्रश्न है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय ने दास्ता कब समाप्त कर दी? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एमएन राय। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एमएन राय ने की थी। तो ये हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव। चलिए आपकी किताब में जो क्वेश्चन दिए उसको आप लोग लिख सकते हैं। ये आपके अति लघु प्रश्न उत्तर हैं जो आपकी किताब में पेज नंबर 41 में दिया है। ये आपकी किताब का पेज नंबर 42 का लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें टोटल 5 प्रश्न है। वैसे यहाँ पे नंबरिंग 5-6 लिखा गया है कि आप 1-2 कर लीजिएगा इसको।
ये आपकी किताब के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसमें 5 प्रश्न है, इसको भी आप लिख लेंगे। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इसका तीसरा पार्ट, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन।